Welcome to this lecture on abstract algebra for second semester students of BSc Mathematics. Last lecture में हमने normal subgroups define किए थे. इस lecture में normal subgroups की कुछ properties हम discuss करेंगे. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, Udaipur. सबसे पहली प्रॉपर्टी नॉर्मल सब ग्रुप्स की हम एज अ थ्योरम देखेंगे कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप्स इज अगेन अ नॉर्मल सब ग्रुप. अगर H1 और H2 दोनों नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं किसी ग्रुप G के, तो इनका जो इंटरसेक्शन है, इनके कॉमन एलिमेंट्स का सेट, ये भी G का नॉर्मल सब ग्रुप ही होगा. इसके प्रूफ के लिए H1 एंड H2 को हमने नॉर्मल सब ग्रुप्स मान रखा है. सब ग्रुप्स डिस्कस करते समय हम देख चुके हैं कि अगर आपके पास दो सब ग्रुप्स हैं H1 एंड H2, तो उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप ही होता है. इसलिए H1 इंटरसेक्शन H2 G का सब ग्रुप होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अगेन अ सब ग्रुप. ये हम सब ग्रुप्स डिस्कस करते समय प्रूव कर चुके हैं. अब हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो H1 इंटरसेक्शन H2 है, ये G का नॉर्मल सब ग्रुप है. दैट मीन्स इसके लिए हमें नॉर्मलसी की कंडीशन को चेक करना पड़ेगा. तो H1 इंटरसेक्शन H2 को नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G प्रूव करने के लिए हम H लेंगे H1 इंटरसेक्शन H2 में और X लेंगे G का कोई भी एलिमेंट. तो हमें इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए शो करना पड़ेगा कि एक्स एच एक्स इनवर्स वापस H1 इंटरसेक्शन H2 में बिलोंग करता है. अब देखिए, एच हमने लिया है H1 इंटरसेक्शन H2 में. अब आप देख सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट अगर यहाँ इंटरसेक्शन में होगा तो H1 और H2 दोनों में बिलोंग करेगा. इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एच है, ये H1 में भी होगा और H2 में भी होगा. X belonging to G है ही, तो इसलिए X belonging to G हम दोनों के साथ अटैच कर सकते हैं. अब H1 क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये नॉर्मलसी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. इसलिए XH X inverse वापस H1 में होगा. इसी तरीके से H2 को भी हमने नॉर्मल सब ग्रुप मान रखा है, इसलिए नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन को H2 भी सेटिस्फाई करेगा. XH X inverse H2 में भी बिलोंग करेगा. तो ये जो एलिमेंट है XH X inverse, ये ऐसा एलिमेंट आ गया जो H1 में भी है और साथ ही H2 में भी है. कोई एलिमेंट जब H1 H2 दोनों में होता है तो वो इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि XH X inverse belongs to H1 intersection H2. तो हमने प्रूव कर दिया है कि अगर स्मॉल h H1 इंटरसेक्शन H2 में और X G का कोई भी एलिमेंट है, तो XH X inverse वापस H1 इंटरसेक्शन H2 में ही आ रहा है. तो H1 इंटरसेक्शन H2 ने नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. तो आप कोई से भी दो नॉर्मल सब ग्रुप्स ले लें, इनका इंटरसेक्शन वापस नॉर्मल सब ग्रुप ही होगा. अब नेक्स्ट थ्योरम देखिए, यहाँ दे रखा है H इज अ सब ग्रुप ऑफ G और N इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. तो हमें प्रूव करना है कि इनका इंटरसेक्शन जो है H इंटरसेक्शन N, इट इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H. यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, H कोई भी सब ग्रुप है, N G का नॉर्मल सब ग्रुप है. तो ये जो इनका इंटरसेक्शन आ रहा है, इसे हमें प्रूव करना है कि नॉर्मल सब ग्रुप ये है H का. अब देखिए, H और N क्योंकि दोनों सब ग्रुप्स हैं, और सब ग्रुप्स डिस्कस करते समय हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स हमेशा सब ग्रुप होता है. तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स हमेशा सब ग्रुप होने की वजह से ये जो H इंटरसेक्शन N है, ये G का सब ग्रुप ही होगा. अब क्योंकि ये G का सब ग्रुप है, ये ग्रुप की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सब ग्रुप होता है जी का ऐसा सबसेट जो ग्रुप की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे. तो ये ग्रुप की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा. और आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो H इंटरसेक्शन N है, ये H का सबसेट भी है. तो अब हम कह सकते हैं कि H इंटरसेक्शन N इज अ सबसेट ऑफ H. ग्रुप की सारी कंडीशंस ये ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इट इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी.
और अब ये सबसेट ऑफ H हो गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ H. तो यहाँ हमें थ्योरम में प्रूव करना है कि दिस इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच. तो ये सब ग्रुप ऑफ एच तो हो गया, अब हम नॉर्मलसी की कंडीशन को प्रूव करेंगे एच इंटरसेक्शन एन के लिए. तो एच इंटरसेक्शन एन को नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच प्रूव करने के लिए ये एलिमेंट एच हम लेंगे एच इंटरसेक्शन एन में. जिसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है उसमें हमने एलिमेंट लिया एच, और जिसका नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है उसमें हम एलिमेंट लेंगे एक्स, ये लिया है एच का एलिमेंट. अब जैसा आपने लास्ट थ्योरम में देखा था उससे सिमिलर सिचुएशन है, स्मॉल एच इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है. तो इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट होता है तो वो पहले सेट में भी होता है और दूसरे सेट में भी होता है, इसलिए इस कंडीशन को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं कि स्मॉल एच कैपिटल एच में भी बिलोंग करेगा और स्मॉल एच एन में भी बिलोंग करेगा. एक्स एच में है ही, तो एक्स बिलोंगिंग टू एच हमने ये दोनों जगह लिख दिया है. अब आप देखिए एच दे रखा है हमें सब ग्रुप ऑफ जी, तो सब ग्रुप होने की वजह से एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी एच में, इसलिए एक्स अगर एच में है एक्स इनवर्स भी एच का एलिमेंट होगा. और सब ग्रुप होने की वजह से इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी की वजह से इसके किसी भी एलिमेंट्स को आप साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस एच का ही एलिमेंट आएगा. तो अब देखिए एक्स एच में है, स्मॉल एच कैपिटल एच में है, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से ये एक्स इनवर्स भी एच का एलिमेंट है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी से इन तीनों का प्रोडक्ट भी एच में ही होगा. अब दूसरी कंडीशन को देखिए, स्मॉल एच कैपिटल एन में बिलोंग कर रहा है और एक्स एच का एलिमेंट है. हमें दे रखा है कि एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, तो नॉर्मलसी की कंडीशन एन में सेटिस्फाई होगी. स्मॉल एच एन में बिलोंग कर रहा है और एक्स अगर यहाँ पर एच में है तो नेचुरली वो जी का एलिमेंट तो होगा ही, क्योंकि एच जी का ही पार्ट है. तो नॉर्मलसी की कंडीशन आप अप्लाई करेंगे तो एक्स एच एक्स इनवर्स वापस एन का एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी. अब आप देखिए ये एक्स एच एक्स इनवर्स ये एच में भी है और यही एन में भी है, तो जब कोई एलिमेंट एच में भी हो और एन में भी हो तो एच इंटरसेक्शन एन में बिलोंग करेगा. तो हम कह सकते हैं कि एक्स एच एक्स इनवर्स दिस बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन एन. तो ये आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन आ गई है कि अगर स्मॉल एच एच इंटरसेक्शन एन में है, एक्स एच में है, तो एक्स एच एक्स इनवर्स वापस एच इंटरसेक्शन एन में आ रहा है. तो अब हम कह सकते हैं कि एच इंटरसेक्शन एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच, एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द थ्योरम. नेक्स्ट थ्योरम देखिए, यहाँ हमको दे रखा है कि एच और के जो हैं ये जी के नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, तो हमें प्रूव करना है कि इनका जो प्रोडक्ट है ये भी जी का ही नॉर्मल सब ग्रुप होगा. अब आप देखिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स हमेशा सब ग्रुप नहीं होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स तो हमेशा सब ग्रुप होता है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स सब ग्रुप तभी होता है जब ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करे, दैट मीन्स एच के इज इक्वल टू के एच हो जाए. तो इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए पहले हमें इसे सब ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा और फिर नॉर्मलसी की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी. तो एच के को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि एच के इज इक्वल टू के एच. अब हमें दे रखा है कि एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, और नॉर्मल सब ग्रुप्स डिस्कस करते समय हम देख चुके हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप के लिए ईच लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट, इसलिए एच एक्स विल बी इक्वल टू एक्स एच फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी. ये राइट कोसेट इज ऑलवेज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट कोसेट. अब ये कंडीशन क्योंकि जी के हर एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई हो रही है, तो ये के भी हर एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होगी, क्योंकि K G का ही सबसेट है, तो K का हर एलिमेंट G में बिलोंग करता है, इसलिए इस कंडीशन को हम कैपिटल K के एलिमेंट स्मॉल K के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. और ये अप्लाई करने पर हम
एच के इज इक्वल टू के एच लिख सकते हैं फॉर ऑल स्मॉल के बिलोंगिंग टू कैपिटल के. अब इस तरीके के सारे एलिमेंट्स एच के में बिलोंग करते हैं और इस टाइप के सारे एलिमेंट्स के एच में बिलोंग करते हैं. तो अगर ये इक्वली हो गए तो हम कह सकते हैं कि एच के विल बी इक्वल टू दिस सेट के एच. और जैसे ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी हम कह सकते हैं कि एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी. अब एच के सब ग्रुप हो जाने के बाद हम प्रूव करेंगे कि एच के इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी. तो जिसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है उसका एलिमेंट ले रखा है स्मॉल एच इंटू स्मॉल के, पहला एलिमेंट एच में से और दूसरा एलिमेंट के में से. और इसे हमें प्रूव करना है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी. तो जिसका नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है उसका एलिमेंट लिया है एक्स बिलोंगिंग टू जी. अब हम निकाल रहे हैं x, एच के, एक्स इनवर्स. अगर ये वापस एच के में हम प्रूव कर सकें तो हम कह सकेंगे कि एच के इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी. अब ये जो बीच वाला एच के है उसको हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हुए इस तरीके से लिख सकते हैं. ये आइडेंटिटी एलिमेंट e को हम रिप्लेस कर सकते हैं x इनवर्स इंटू x से. अब ये जो कंडीशन आई है अपने पास इसको हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, x h x इनवर्स एक साथ जैसा कि ब्रैकेट में यहाँ लिखा है, और दूसरे पार्ट में हम x k x इनवर्स लिखेंगे जैसा यहाँ लिखा हुआ है. अब आप देखिए हमें दे रखा है कि h इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, इसलिए x h x इनवर्स हमेशा h में बिलोंग करेगा. और साथ ही हमें दे रखा है थ्योरम में कि k भी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g है, इसलिए नॉर्मलसी की कंडीशन के भी सेटिस्फाई करेगा और एक्स के एक्स इनवर्स कैपिटल के में बिलोंग करेगा. तो ये पहला पार्ट एक्स एच एक्स इनवर्स ये आ रहा है कैपिटल एच से, और एक्स के एक्स इनवर्स ये कैपिटल के का एलिमेंट है, इसलिए दिस होल प्रोडक्ट विल बिलोंग टू एच के. तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि अगर एच के को इस कैपिटल एच के में लेते हैं और x g का कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो x h k x इनवर्स ये वापस h k का ही एलिमेंट आ रहा है, और ये नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन h k ने सेटिस्फाई कर दी है, इसलिए अब हम कह सकते हैं कि h k इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g. लास्ट लेक्चर्स में जब हमने परम्यूटेशंस डिस्कस किए थे तब हमने दो तरह के ग्रुप्स देखे थे, एक तो सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n जिसे हम sn से डिनोट करते हैं, 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर्स आप ले लीजिए उनके परम्यूटेशंस का जो ग्रुप बनता है दैट इज सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n. अब इनमें से जो परम्यूटेशंस बन रहे हैं sn में उसमें से कुछ इवन होते हैं और कुछ ऑड होते हैं. इवन परम्यूटेशंस को अगर आप एक सेट में डाल देते हैं तो वो सेट an बनता है. तो सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस इज ए एन. ये भी एक ग्रुप बनता है विच इज कॉल्ड द ऑल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री एन. तो ए एन जो है सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस है, एस एन इज द सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑफ डिग्री एन, तो ए एन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एस एन. थ्योरम में हमें प्रूव करना है कि ये जो ए एन है दिस इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस एन. तो ये सबसेट ऑफ एस एन तो हो गई. जब हमने परम्यूटेशंस डिस्कस किए थे तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ए एन जो है ग्रुप की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि आप दो इवन परम्यूटेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको इवन परम्यूटेशन मिलेगा, इसलिए ए एन के दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने पे दैट मीन्स दो इवन परम्यूटेशंस को मल्टीप्लाई करने पे वापस, क्योंकि इवन परम्यूटेशन ही मिल रहा है, हम कह सकते हैं ए एन इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव भी होता है ए एन में, क्योंकि कंपोजिशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशंस इज ऑलवेज एसोसिएटिव. आइडेंटिटी परम्यूटेशन इवन परम्यूटेशन होता है, इसलिए आइडेंटिटी परम्यूटेशन बिलोंग्स टू ए एन. और अगर आप कोई भी इवन परम्यूटेशन लेंगे उसका इनवर्स भी इवन परम्यूटेशन ही होता है,
इसलिए ए एन के हर एलिमेंट का इनवर्स भी वापस ए एन में ही बिलोंग करता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, सारी कंडीशंस आपके इस ए एन में सेटिस्फाई होती हैं, विच इज़ द सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस। इसलिए दिस इज अ ग्रुप जो कि हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री एन। और साथ ही ए एन इज अ सबसेट ऑफ एस एन, तो हम कह सकते हैं कि ए एन इज अ सब ग्रुप ऑफ एस एन। अब हम प्रूव करेंगे इसको कि ए एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस एन। अब ए एन को एस एन का नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम अल्फा ले रहे हैं एस एन का कोई भी एलिमेंट और बीटा ले रहे हैं ए एन का कोई भी एलिमेंट। दिस मीन्स अल्फा कोई भी परम्यूटेशन हो सकता है ऑफ डिग्री एन, लेकिन बीटा ए एन में बिलोंग कर रहा है, इसलिए बीटा इज एन इवन परम्यूटेशन ऑफ डिग्री एन। इसे नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि अल्फा बीटा इंटू अल्फा इनवर्स ये वापस ए एन में ही बिलोंग करता है। अब बीटा तो क्योंकि ए एन में है, ये तो इवन परम्यूटेशन हो गया, लेकिन अल्फा के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। तो पहला केस हम ले रहे हैं व्हेन अल्फा इज एन इवन परम्यूटेशन। अब हम जानते हैं कि दो इवन परम्यूटेशंस को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा इवन परम्यूटेशन ही मिलता है, और किसी इवन परम्यूटेशन का इनवर्स वापस इवन ही होता है। तो अल्फा क्योंकि इवन है, इसलिए अल्फा इनवर्स भी इवन परम्यूटेशन होगा। अब अल्फा इवन है, इसको बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा भी इवन है, अल्फा इंटू बीटा इवन आएगा। और इवन परम्यूटेशन को वापस अल्फा इनवर्स, ये भी इवन है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्रोडक्ट आपको इवन परम्यूटेशन ही मिलेगा। सारे इवन परम्यूटेशंस ए एन में बिलोंग करते हैं, तो अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स भी ए एन में आ जाएगा। अब सेकंड केस हम लेते हैं, अगर अल्फा ऑड परम्यूटेशन है, तो अगर अल्फा ऑड है, अल्फा इनवर्स भी ऑड परम्यूटेशन ही होगा। तो जब हम अल्फा को बीटा इंटू अल्फा इनवर्स इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए अल्फा ऑड है, बीटा इवन है, तो ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करने पे अल्फा बीटा आपको ऑड परम्यूटेशन मिलेगा। अब अल्फा बीटा ऑड हो गया, इसको वापस अल्फा इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इनवर्स भी ऑड है, तो ऑड को ऑड परम्यूटेशन से मल्टीप्लाई करने पे आपको इवन परम्यूटेशन मिल जाएगा। अल्फा बीटा ऑड था, तो मान लीजिए इसमें तीन ट्रांसपोजिशंस हैं, अल्फा इनवर्स भी ऑड था, मान लीजिए इसमें पांच ट्रांसपोजिशंस हैं, तो तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको यहाँ पे पांच और तीन मिला के आठ ट्रांसपोजिशंस मिल जाएंगे, जो कि संख्या इवन है, तो प्रोडक्ट आपको इवन परम्यूटेशन मिल जाएगा। अब जैसे ये इवन हुआ, हम कह सकते हैं अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स बिलोंग्स टू ए एन। तो चाहे केस वन हो या केस टू हो, दैट मीन्स चाहे अल्फा इवन परम्यूटेशन हो चाहे ऑड हो, ये अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स दोनों ही केसेस में ए एन में बिलोंग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं अगर अल्फा एस एन में है, बीटा ए एन में है, तो अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स वापस ए एन में ही बिलोंग कर रहा है। ये आपके नॉर्मलसी की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। तो अब हम कह सकते हैं कि ए एन इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस एन। तो ऑल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री एन इज ऑलवेज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन। एंड दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑन नॉर्मल सब ग्रुप्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।